नींद मतलब निंद्रा देवी। आपसे अगर मैं कहूं कि मां वहां बैठी हैं और मां के करीब जाओ, मां की गोद में बैठो, तो हम अपने आप को शुद्ध श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे, फिर जाएंगे। हम जब अपने बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो हम ये विचार क्यों नहीं करते कि मां निंद्रा देवी बैठी हैं, हम उनकी गोद में सोने जा रहे हैं। और जब गोद में सोने जाएंगे और अगर आप मां के करीब जा रहे हैं तो बढ़िया हाथ मुंह धोएं, पैर धोएं, गर्मियों का समय स्नान करें बड़े प्रेम से, उसके बाद आप बिस्तर पर जाएं। बिस्तर आपका साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो कायदे से बिस्तर के ऊपर बिछने वाले चादर आदि इत्यादि हर एक दो दिन में बदलने चाहिए। आपका बिस्तर जितना साफ जितना सुथरा होगा आपकी नींद उतनी श्रेष्ठ होगी। उसकी ऊर्जा आपको सुलाती है। पहले के समय में जो बिस्तर होते थे वो सोने के समय बिछाए जाते थे और उठने के बाद रोल करके रख दिए जाते थे, इसलिए वो गंदे नहीं होते थे। आज के समय का जो बेड है वो बेड ही है, और जिस बेड पर हम सो रहे हैं उस बेड के नीचे न जाने कितनी गर्दा जमी है। तो जो वास्तविक आनंद का आनंद की जगह है वो हमें दिख रही है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है उसके आसपास की वो नेगेटिव है। और उस सबके बावजूद ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमारे बेड के पास में हैं, उन्हें भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर आपके सिरहाने पर इलेक्ट्रिक पॉइंट है आपके सिरहाने पर तो आपको नींद नहीं आएगी। सिरहाने पर मोबाइल आदि इत्यादि है या कोई भी बिजली से संबंधित सामग्री है आपकी नींद वो खा जाएगी। नींद के लिए इन सब चीजों को हटा दीजिए, पूजा करो इन सब चीजों को हटा दीजिए, आप देखिए आनंद बढ़ जाएगा। सुंदर दर्शन है, आप रात में जब अपने कक्ष में सोने जा रहे हैं एक सुंदर मिट्टी का या जो भी आपके पास दीपक हो दीपक जलाइए। दीपक कहां जलाना है? आपके कक्ष में। लाइट्स बंद कर दीजिए, उस दीपक में सरसों का कोई भी तेल डालिए, कुछ सुगंध डाल दीजिए और जो उसका अरोमा बनेगा आप उसको देखिए। और देखते देखते आप देखना, आप ये सोचिए कि निंद्रा देवी की गोद में मैं सो रहा हूं, मां मुझे थपकियां देके सुला रही है और आपको नींद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें एक एक वास्तविक दर्शन में जाना पड़ेगा। आज की जो जिंदगी है बड़ी आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल तो बची नहीं है, इसलिए कुछ चीजें ऐसी डिजाइन करो जो आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मा, आपके आत्मबल के लिए श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण हो। ध्यान रखिएगा इस बात।